Okay, assalamu alaikum. How are you? You're fine? Okay, very good. Dear students, be attentive. And because today I'm telling a very interesting story of letter G. Okay, so be attentive and listen to me carefully. एक दफा क्या हुआ कि एक प्यारी सी गोल थी. कौन थी? गोल. गोल बहुत ज्यादा हंग्री थी, बहुत ज्यादा हंग्री थी और वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी. फिर एकदम से उसे अपने फ्रेंड अहमद का घर नजर आया. अहमद के घर का गेट ओपन था तो गोल ने सोचा कि क्यों ना मैं गेट के अंदर चली जाऊं, क्या पता अहमद के गार्डन में मुझे कुछ खाने को मिल जाए. गोट ने जो है वो गेट के अंदर एंटर हुए और फिर गार्डन में चली गई. उसने इधर उधर देखा, गार्डन में कोई भी नहीं था. गार्डन में बहुत प्यारी प्यारी ग्रीन सी ग्रास थी, फ्लावर्स थे, ट्रीज थे, बर्ड्स थे. और फिर थोड़ा सा आगे गई तो गोट को ट्री के नीचे ट्रे में इतने ज्यादा सारे ग्रेप्स पड़े हुए नजर आए. क्या नजर आए? ग्रेप्स. तो गोट को चूंकि बहुत ज्यादा वो हंग्री थी, उसने फौरन से सारे के सारे ग्रेप्स खाने स्टार्ट कर दिए. इतनी देर में उसका फ्रेंड अहमद वहां पे आ गया. उसने गोट को कहा, गोट स्टॉप, रुको, ये ग्रेप्स मेरे हैं, मुझे भूख लगी है, ये मैं खाऊंगा. तुम वहां पे जाके तो ग्रीन ग्रास खा लो, तुम्हें ग्रास खाने की इजाजत है, लेकिन तुम मेरा फ्रूट नहीं खा सकती, तुम मेरे ग्रेप्स नहीं खा सकती. तो गोट वहां से चली गई. उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं फिर क्या खाऊं? उसने ग्रेप्स छोड़े तो उन्होंने कहा, तुम इस साइड पे आओ और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ग्रास है, तुम ग्रास खाओ. तो गोट जो है वो ग्रास खाने लगी और अहमद जो है उसका फ्रेंड वो फ्रूट खाने लगा और दोनों हैप्पीली अपनी भूख मिटाने लगे. Okay, kid, play class. Now, open your book of English on the page number 10. On the page number 10. Okay. Look here. What is this? G. What is this? G. G. Grapes. G. Grapes. G. Grapes. Or G ke saath kaun hai? G ka bada bhai? G. G ke saath kaun hai iska bada bhai? G. ग का बड़ा भाई कौन है? जी. ग का बड़ा भाई कौन है? जी. वेरी गुड. नाउ लुक डाउन, हियर इज योर एक्टिविटी, सर्कल द लेटर ग एंड जी. लुक हियर, वेयर इज ग? हियर. ओके, सर्कल इट. वेरी गुड. एंड वेयर इज अनदर G and its big brother G here. Good. Very good. Okay, nursery class. Now you open your books on the page number 10. Look at here. 10. What's this? This is a gift. And glass and trap. Okay. What is this? G. G gift, G gift, G gift, and G glass, G glass, G glass, and here J giraffe, J giraffe, J giraffe. G ka bada bhai J, G ka bada bhai kaun hai? J, G ka bada bhai kaun hai? J. Very good. Okay, tell me kid, हमारी स्टोरी में कौन कौन था? गोट, वेरी गुड. गेट, ग्रेप्स, ग्रॉस. गोट, गेट, ग्रेप्स, ग्रॉस. इन सबकी पहली आवाज क्या है? ग. इन सबकी पहली आवाज क्या है? ग. ओके,
Look at here, how to write girl, how to write girl. Knit and add. Down you go. Turn to the left, ball of dough. Knit and add. Down you go. Turn to the left, ball of dough. Knit and add. Down you go. Turn to the left, ball of dough. So what is this? G. Goat, g goat, g grass, g gate, g grapes. Goat की पहली आवाज क्या है? G. Grass की पहली आवाज क्या है? G. So g goat, g grass, g gate, g grapes. इन सब की पहली आवाज क्या है? G. इन सब की पहली आवाज क्या है? G. Goat की पहली आवाज क्या है? G. Grass की पहली आवाज क्या है? G. और gate की पहली आवाज क्या है? G. Grapes की पहली आवाज क्या है? G. Very good. Now you have to look out other words starting with the sound of G. Okay. So it was our G story. So kids, I hope you enjoy this story. Allah Hafiz.